इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। जल ही जीवन है, जी हाँ, पानी ही हमारी जीवन रेखा है, जिसके बिना ना हम जिंदा रह सकते हैं और ना ही कोई बड़ा शहर। लेकिन आज कंक्रीट के जंगल की तरह तेजी से फैलते हमारे शहरों में पीने का पानी एक अनमोल चीज बनकर रह गया है, यानी इसकी जबरदस्त कमी होती जा रही है। जबकि एक वक्त ऐसा भी था जब पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। ऐतिहासिक विरासत में दिलचस्पी रखने वाले लेखक विक्रमजीत सिंह रूप राय काफी समय से इस बात का अध्ययन करते आ रहे हैं कि दिल्ली ने कैसे लंबे समय तक पानी को बचाकर रखा था। दिल्ली की बावड़ियों पर उनकी एक किताब है जिससे हमें ऐसी बावड़ियों के बारे में जानकारी मिलती है जो आज भी मौजूद है। बावलीज के बारे में मुझे इस पूरे दौर में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसमें कि मुझे लगा कि जितने भी हमारे पास मॉन्यूमेंट्स हैं, किले हैं, महल हैं, सब में बावली सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, बावली सिर्फ एक पानी भरने की जगह नहीं है। बावली एक ऐसी जगह है जहाँ से एक पूरी सिविलाइजेशन जो है वो डिक्टेट होती थी। लोग उसके आसपास किस तरीके से चलते थे, कैसे रहते थे, एक अलग तरह की सिविलाइजेशन थी जो फंक्शन करती थी। मुनिरका नाम की ये बावड़ी आरकेपुरम में है, जो तुगलक के जमाने के मकबरों के करीब है। बावड़ी की सीढ़ियों से उतरते वक्त आपको महसूस होगा कि ये कितनी गहरी और बड़ी है। देखने में तो ये भव्य लगती ही है, साथ ही वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित इसकी वास्तुकला भी किसी अजूबे से कम नहीं। बावली के पीछे एक बहुत ज़बरदस्त साइंस काम करती थी। जैसे मिसाल के तौर पे बावली बनती कैसे, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो होता क्या था कि ज़मीन के ऊपर एक लकड़ी का फ्रेम रख दिया जाता था और उसके बीच में से मिट्टी हटा दी जाती थी। धीरे धीरे मिट्टी हटाते रहते थे और लकड़ी का फ्रेम नीचे पुश होता जाता था, कुछ केसेस में उसके साइड पर और दीवार बना के उसको पुश कर दिया जाता था, जब तक कि वो नीचे नहीं पहुँच जाते थे जहाँ से जो अंडरग्राउंड जो एक्वीफर्स हैं, जो कन्फाइंड एक्वीफर्स हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे का जो वाटर टेबल है, जो नहरें चल रही हैं ज़मीन के नीचे, वहाँ तक ना पहुँच जाए। तो जैसे ही पानी आता था, फिर कई दिनों तक उस पानी को निकाल निकाल के बाहर फेंका जाता था, जिससे वो जो कुआं एक बना है, कुएं के आसपास कैचमेंट एरिया तैयार होता था, वहाँ से जो पानी है वो सीप इन करके नीचे जाता था, नीचे एक बहुत बड़ा सा टैंक क्रिएट हो जाता था। अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पानी चाहिए, बड़ा गांव है उसके आसपास जो बस रहा है, तो सबके लिए बहुत मुश्किल है रोज़ आकर कितनी बाल्टियाँ उसमें से खींचना, जोर लगाना, पानी निकालना। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम सीढ़ियाँ बना दें नीचे पानी के लेवल तक जाने के लिए। तो जब सीढ़ियाँ बनाने की सोची तो साथ में उनको ये ख्याल आया कि अगर हम ऐसे सीढ़ियाँ बनाकर वहाँ तक पहुँच गए तो हर कोई नीचे जाएगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े धोएगा, तो पानी गंदा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके आगे टैंक बनाया जो कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल तक नहीं गया, वो जहाँ पर बारिश का पानी कलेक्ट होता है, जिसे हम अनकन्फाइंड एक्वेफर भी कहते हैं, सिर्फ वहीं तक रहा वो। और कुएं और टैंक के बीच में एक विंडो बना दी गई जिससे कि पानी कुएं से टैंक में आ सके, और टैंक तक सीढ़ियाँ बना दी, साइड पर कमरे बना दिए कि लोग यहाँ बैठ सकेंगे, नहा धो सकेंगे, अपना इस्तेमाल कर सकेंगे पानी को। अब मज़े की बात यह है कि जो पानी टैंक में है वो नहाने धोने की वजह से गंदा हो गया है, और कुएं और टैंक के बीच में एक छोटी सी खिड़की है जिससे पानी आ जा सकता है। तो ये गंदा पानी कुएं में वापस भी तो जा सकता था, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल है जो हमने क्लास शायद फिफ्थ या सिक्स्थ में कभी पढ़ा हो, कि प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितना बड़ा एरिया होगा जिस पर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर कम हो जाएगा अगर एरिया आप बड़ा करेंगे। तो जो टैंक है वहाँ पे प्रेशर कम पड़ता है, कुआं जो कि छोटा है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। यानी कि पानी कुएं से टैंक में जा सकता है, टैंक से वापस कुएं में नहीं आ सकता। एक और चीज़ रिसर्च करते हुए मुझे मिली कि दिल्ली की ज़्यादातर जो बावलियाँ हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। तो ये ज़्यादा सेंस बनता है कि हमारा जो टैंक है, यानी कि जो डीपेस्ट कॉर्नर है, वो हम नॉर्थ टू साउथ अलाइन करके रखें, ताकि जब सन मूव करे तो बहुत ही कम देर के लिए जो सूरज की रोशनी और गर्मी है वो टैंक पर पड़े, जिससे होगा क्या कि दिन के हर वक्त
आधे से ज़्यादा हिस्सा छाया में रहेगा और दिन में मुश्किल से आधे पौने घंटे के लिए टैंक के ऊपर प्रॉपर धूप पड़ेगी, तो पानी ना इवेपोरेट होगा ना गर्म होगा। इसलिए जब आप बावली में नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बाहर से काफ़ी ठंडा है, साइड के कमरे ठंडे रहते हैं, उनमें दीवारों में नमी भी बरकरार रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता चली कि कितना ज़्यादा उन्होंने दिमाग लगाया होगा, कितनी साइंस इसमें इन्वॉल्व हुई है। सन 1910 में दिल्ली में 32 बावड़ियां थी, लेकिन आज सिर्फ 15 ही बची हैं। यानी आधे से ज्यादा बावड़ियों को लगातार फैलते शहर ने निगल लिया। सबसे पुरानी बावली है अल्तमश की बावली, जो उसने गंदक की बावली के नाम से जिसे हम जानते हैं, सबसे पहली बावली उसने महरौली में बनवाई थी। कहानी ये है कि ख्वाजा काकी के पास वो आए, उन्होंने देखा ख्वाजा काकी जो है वो मैले कुचैले कपड़ों में बैठे हैं, तो उन्होंने पूछा तो बताया गया कि यहाँ पानी की बहुत कमी है, इसलिए नहाने धोने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता, पीने के लिए बचा लिया जाता। तो उन्होंने वहीं बगल में जल्दबाजी में बावली का काम शुरू करवा दिया, और जब वो बावली खोदी तो नीचे गंदक का कोई पत्थर था जिस तक वो पहुंच गए और पानी में थोड़े से गंदक के ट्रेसेस आ गए। वो नहाने के लिए अच्छा है, वो पीने के लिए वो पानी बहुत अच्छा नहीं है। गंदक की बावली सबसे पुरानी है। जो सबसे आखिरी बावली दिल्ली में बनी वो भी उसके बगल में ही बनी है, वो ख्वाजा काकी की दरगाह के अंदर जो कोर्टयार्ड है उसके बिल्कुल नीचे वो बावली है। अंग्रेज़ तब तक आ चुके थे, अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाई गई, आखिरी मुगल बादशाह जो थे अकबर शाह, बहादुर शाह जफर, इनके दौर में वो बावली बनी है। अंग्रेज़ों के मटेरियल, वो गर्डर सरिए वो सब वहीं इंग्लैंड से मंगा के, ग्लासगो से मंगा के उसमें लगाए गए हैं। हम इस समय जिस जगह पर हैं उसे आज की तारीख में आरकेपुरम सेक्टर 5 कहते हैं, जिस मॉन्यूमेंट में हम खड़े हैं उसे वजीरपुर गुंबद कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बट किसी ज़माने में ये मुनीर का हुआ करता था। इस बावली को ढूंढने में मुझे 1 साल से ऊपर लग गया, क्योंकि पुराने सारे रिकॉर्ड्स में ये मुनीरका की बावली कहलाती है। तो मैं मुनीरका गांव में जाकर ढूंढता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे एक रिकॉर्ड पता चला कि मुनीरका के कुछ इलाके को आरकेपुरम बनाया गया था। तो जब मैंने यहाँ आके ढूंढा तो मुझे बड़े बड़े मकबरे, बावली सब कुछ मिल गया। राजों की बावली भी बहुत खास है, लोग उसे कहते हैं कि किसी राजा ने बनवाई इसलिए राजों की बावली है, जबकि वो नाम राजों है ना कि राजाओं। राज मतलब राजमिस्त्री, तो वो मिस्त्रियों की बावली है, वहाँ पर लोग रहा करते थे राजमिस्त्री। तो उनके बावली तो पहले दौलत खान ने बनवाई थी लोधी एरा में, का आर्किटेक्चर उसके अंदर की ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा, पीछे की तरफ उसमें बहुत अच्छा काम किया गया है। अग्रसेन की बावली गहरी बावलियों में से एक है। फिरोशा कोटला की बावली इकलौती गोलाकार बावली है हमारे पास, जो ऊपर से छती हुई थी पूरी तरह से और उसके ऊपर कमरे बनाए गए थे। दिल्ली शहर में कई अद्भुत बावड़ियां हैं, जैसे लाल किले के अंदर की ये बावड़ी जो शाहजहानाबाद से भी पुरानी है। इसी तरह दिल्ली के रिज के करीब बड़ा हिंदू राव अस्पताल के परिसर में बनी ये बावड़ी भी अनूठी है, जो तुगलक के जमाने की है। बदकिस्मती से इनमें से कई बावड़ियां बिखरने के कगार पर है और उनको मरम्मत की सख्त जरूरत है। बावलियां कब से कब तक इस्तेमाल हुई ये पता करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनमें बावलियों में पानी भरा हुआ है, कुछ तस्वीरें हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है, लेकिन हरेक का अपना रहा होगा टाइम कि कब वहाँ से जो आसपास के विलेज है वो आगे वहाँ से मूव कर गया, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, सूखा पड़ गया, बहुत सारी वजूहत रही होंगी, पर एग्जैक्ट टाइम किसी का भी हमें नहीं पता। अंग्रेज़ों ने बावलियों को अनहाइजीनिक टैग किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो है कुएं और बावलियाँ इनका पानी सेफ नहीं है, तो हम पाइपलाइन बिछाएंगे, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे बावलियों और कुओं के पानी इस्तेमाल को कम कर दिया। और जैसे ही ये इस्तेमाल कम हुआ बावलियाँ मरनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी देख रेख भी नहीं हो पाई और पानी उसमें पड़ा पड़ा सड़ने लग गया कई केसेस में। अगर हम इन्हें रिवाइव कर पाते हैं तो ज़रा सोचिए, जितनी भी बावलियां हैं वो ज़मीन के नीचे जो नहरें चल रही हैं पानी की, वो सारी बावलियां, सारे कुएं एक्चुअल में उस नहरों के एक नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एक इलाके में एक बावली के अंदर वापस उसको रिचार्ज करते हैं, उसमें पानी भर जाता है ठीक तरीके से, तो आसपास के सारे कुओं और बावलियों में अपने आप पानी आ जाएगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड हैं। आज आप वाटर रिचार्ज पिट बनाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनाते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा सा पानी भेज पाते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में थोड़ी सी प्लानिंग करके स्ट्रेटेजिक तरीके से कुछ एरियाज़ के कुएं और बावलियों को रिचार्ज कर दें, पूरी दिल्ली में वापस पानी आ सकता है। लेकिन इसमें चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि हमें कैचमेंट एरिया चाहिए, यानी कि बावली के आसपास कच्ची ज़मीन चाहिए जहाँ से पानी ज़मीन के अंदर जा सके। हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए, हमने सड़कें बना दी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, जितना बारिश का पानी आता है वो सारा सीवर में बह के यमुना नदी तक चला जाता है, तो पानी तो हम ज़मीन के नीचे जाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप पानी ज़मीन के नीचे बावली तक भेजना चाहते हैं तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेंगी, आपको अपनी सड़कों का तरीका चेंज करना पड़ेगा, तो
पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको हो सकता है कुछ जगहों पे बिल्डिंग माफिया से लड़ना पड़े, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं। दिल्ली जैसे शहर में हालांकि बावड़ी के सिलसिले को दोबारा बहाल करना बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन काश हम इतिहास से सीख लेकर इन सूखी बावड़ियों को फिर तरबतर कर पाते तो शायद प्यासी दिल्ली को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। पाटन में रान की वाव से लेकर आंध्र प्रदेश के विजयनगर के राजाओं की पुरानी राजधानी पेनुकोंडा तक चले जाएं, तो वहां आपको कई बावड़ियां और कुएं दिखाई देंगे जो किसी समय लोगों की जीवन रेखा हुआ करते थे। ये बावड़ियां और कुएं न सिर्फ कला बल्कि इंजीनियरिंग का भी चमत्कार है। आज हमें इनसे सीखने की और इन्हें सहेजने की सख्त जरूरत है।